दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा की तरह मोटिवेट होंगे, हमेशा की तरह जुनून से भरे होंगे, हमेशा की तरह दिल में और दिमाग में एक आग लगी होगी कि आज तो कर दिखाना है। चलो इसी को लेकर शुरुआत करते हैं। मैं हूँ देवेंद्र अग्रवाल और आप तो मुझे जानते ही होंगे। दोस्तों, अधिकतर जब लोग मुझसे मिलते हैं तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सर हमने जीवन में अच्छे कर्म भी किए, अच्छी मेहनत भी की, सही भी सोचा और हमने बहुत से मोटिवेशनल चीज़ों को फॉलो किया, उसके बाद भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? तो आज मैं उसका रीज़न आपको बताना चाहता हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आपको मोटिवेट करना ये मेरा उद्देश्य है और मरते दम तक यही मेरा उद्देश्य रहेगा, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बन के दिखाना है। अधिकतर आपने देखा होगा कि जो लोग नए नए रिलेशनशिप में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, या फिर बात करूँ शादी करते हैं, या फिर बात करूँ फियोंसे जिनकी होती हैं, तो अधिकतर वो जब नई नई चीज़ में पढ़ते हैं तो उनको जो इंटरेस्ट लेवल होता है वो बहुत एक कमाल का होता है। हालांकि वो जो फीलिंग होती है वो फीलिंग एक बहुत ऊपरी लेवल की होती है। मतलब आप देखिए, ऐसी रिलेशनशिप में ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, दिन रात सिर्फ आपको अपने पार्टनर के बारे में फील आता है कि वो समय क्या कर रहा होगा, वो समय क्या कर रही होगी, और यही चीज़ सोचते आप ना आप दिन में काम कर पाते हैं ना ही रात में आप अपने आपको समय दे पाते हैं। आप दिन भर चार बार पांच बार कॉल लगा के उन्हीं को पूछते रहते हैं, रात भर घंटों भर बातें करते हैं, तो ये सारी चीज़ करने के आपको तसल्ली मिलती है और आप मन से चाहते हैं कि आप उनसे बस कनेक्ट रहें किसी ना किसी तरह, और हर पाँच मिनट का अपडेट आपको मिले कि वो आपके सामने वाला पार्टनर क्या कर रहा है। ठीक उसी तरह दोस्तों, जीवन में अगर आपको सफल होना है तो अपने काम को अपना पार्टनर बना लीजिए, रिलेशनशिप रखिए अपने काम के साथ में। जिस तरह से आपको भूख प्यास मिट जाती है आपके प्यार में, उसी तरह अगर जिस दिन काम में आपकी भूख प्यास मिट गई, मेरा नाम लिख लीजिएगा आप एक कॉपी में और उसके बाद में लिख लीजिएगा ये डेट और ये टाइम, और ना आपने मुझे याद किया। दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं पहले इंटरेस्ट लेवल पे कीजिए, आपको उससे प्यार होना चाहिए, पहली वाइफ आपका काम होना चाहिए, पहले गर्लफ्रेंड आपका काम होना चाहिए, पहला फ्रेंड आपका काम होना चाहिए। और दोस्तों याद रखना, जिन लोगों ने इन चीज़ों को पहला नंबर पर रखा है, प्राइमरी रखा है ना, उन लोगों ने इतिहास बदला है। सो हमें इतिहास बदलने वाले लोगों में से शामिल होना है, हमें भीड़ चाल या हमें दुनिया की बाकी भीड़ों में खड़े नहीं रहना दोस्तों। इसलिए अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आप इन रिलेशनशिप से ऊपर उठ के अपने काम को रिलेशनशिप बना सके। मैं आपसे बोलता हूँ, आपके माँ बाप ने भी, आपके फादर ने भी आपसे एक बात कही होगी कि अगर तू कुछ कर दिखाएगा ना जीवन में, जिंदगी में ऐसे लोग तेरे पीछे आएंगे जिसके तू सपने तक नहीं देख पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जीवन में कुछ कर दिखाओ, और कुछ डर दिखाने के लिए जो भी काम कर रहे हो, जो भी इंटरेस्ट है उस लेवल पे, उस जुनूनी लेवल को पैदा करो और उस जुनूनी लेवल को जीरो ग्राउंड पे ले जाकर अपने काम में एग्जीक्यूट करो। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार एक टीचर अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता है और बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो वो अपनी जेब से एक 100 रुपये का नोट निकालता है और 100 रुपये का नोट निकाल के बच्चों को बोलता है, बताओ ये नोट किसको चाहिए। तो सभी लोग हाथ उठा देते हैं, हाँ हमें चाहिए हमें चाहिए। तो उसके बाद में वो नोट को मसलता है, मसल के गुड़मुड़ करके छोटा सा पुड़िया जैसे बना देता है। अब पूछता है, बताओ ये नोट किसको चाहिए, तब भी उठा देते हैं सब लोग, हाँ हमें चाहिए हमें चाहिए। उसके बाद वो नोट को नीचे गिरा देता है और पैरों से कुचलता है और उसको मसलता है, उसके बाद उठा के बोलता है, बताओ अब ये नोट किसको चाहिए। तो उसके बाद भी बोलते हैं, हमें चाहिए हमें चाहिए। तो वो उसके बाद में टीचर अपने स्टूडेंट को बताता है कि आज देखो मैंने तुम्हें कितना बड़ा लेसन सिखा दिया है कि दुनिया की इस नोट को मैंने मसला, इस नोट को मैंने कुचला, तो उसके बाद भी सभी लोगों को ये नोट चाहिए क्योंकि ये नोट अभी तक अपनी काबिलियत नहीं खोया है, इस नोट का यूज़ अभी तक किया जा सकता है क्योंकि अभी फटा नहीं है। ठीक उसी प्रकार आपकी काबिलियत है, उसको कुचला जाएगा, उसको फेंका जाएगा, उसको दरकिनारे किया जाएगा, दुनिया उसको ठुकराएगी। बात भी ध्यान रखना दोस्तों, आपकी काबिलियत की कीमत कभी कम नहीं होगी, वो बिल्कुल नोट की तरह होगी, बस अपने आत्मविश्वास भरे वो नोट को फटने मत देना, क्योंकि जिस दिन वो नोट फट गया आपका आत्मविश्वास कम हो गया ना दोस्तों, तो जितनी भी काबिलियत है वो कभी काम नहीं कर पाएगी, जितना भी हुनर है, जितना भी जुनून है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ये बताना कि जिंदगी में अगर काम करना है तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस हमेशा पूरा होना चाहिए, उसके बाद में काबिलियत, और काबिलियत आती है जुनून से, और जुनून आता है इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट आता है कि आप सबसे पहले जो भी चीज़ पसंद करते हो वो आपका पहला नंबर पे काम होना चाहिए। आई होप कि आप इस वीडियो को समझे होंगे और आपने डिसाइड किया होगा कि आज से मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरा काम है, आज से मेरी जो बीबी है वो मेरा काम है, आज से मेरा जो सब कुछ है वो प्राइमरी वो मेरा काम है। तो मेरी बात एक बार ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने अपने काम को भगवान का दर्जा दिया है ना, उन लोगों ने इतिहास बदला है। आई होप कि आप मेरा नाम जानते होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप ये YouTube चैनल में देख रहे हैं तो आप नीचे दिए लाल बटन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो को पूरा सुनने के लिए। वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो को पूरा देखने के लिए।